मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोपों की सियासत चरम पर है। प्रदेश के दोनों बड़े दलों के नेता लगातार एक दूसरे पर बयानों के तीखे वार कर रहे हैं, लेकिन आरोपों के इस दौर में नेता अपनी मर्यादा भी भूलते नजर आ रहे हैं। नेताओं की टिप्पणी पार्टी के लिए भारी पड़ती नजर आ रही है। हाल ही में भाजपा के प्रदेश महामंत्री विष्णुदत्त शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया कि विवाद हो गया। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए उन्हें लोगों का खून चूसने वाला नेता बता दिया। ये छिंदवाड़ा में कैसे आए थे और क्या हो गए? छिंदवाड़ा गरीब जनजाति क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं। मैंने छिंदवाड़ा के कोने कोने को घूमा है। उस गरीब छिंदवाड़ा की जनता के खून को चूस कर आज वो इतने बड़े उद्योगपति बन गए, छिंदवाड़ा की जनता को जवाब दे। वहीं इस लड़ाई में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। खरगोन में जन जागरण यात्रा में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसी तरह का निशाना प्रदेश के मंत्री पर साधा। उन्होंने राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने आज तक सदन में खरगोन विधानसभा का कोई मुद्दा नहीं उठाया। वहीं सरकार ने भी खरगोन को अनदेखा किया है। एक दिन खड़े होके विधानसभा में ये कह देते हैं कि खरगोन विधानसभा के लिए ये बात है, वो बात है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मुझे नहीं अक्कर थी कि खरगोन के लोगों ने आपने कैसे विधायक को चुना, भगवान ही मालिक था। बयानों का सिलसिला यही नहीं थमा। कांग्रेस के एक विधायक तो गुस्से में इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने मुख्यमंत्री की तुलना किसी वेश्या से कर दी। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए ऐसा बयान दिया कि सभी चौंक गए। उस प्रदेश का क्या होगा जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री वेश्या के रूप में काम कर रहे हो? वेश्या का आचरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना दिखा रहे हैं। अब मैं उसको प्रमाणित करता हूं कैसे वेश्या कह मैंने कहा है। 14 वर्ष में 1 रुपए की बिजली उन्होंने माफ नहीं किया, और जब चुनाव आ गया तो बिजली के लिए माफी दिखाने लगे। वैश्या उसको कहा जाता है जो पैसे के लिए अपनी आत्मा बेचता है। और मैं मुख्यमंत्री जी को वैश्या इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने अपनी आत्मा और प्रदेश की आत्मा वोट के लिए बेच दिया है, और किसी नीचे स्तर पर वो जा सकते हैं वोट के लिए और सरकार बनाने। ऐसा पहली बार नहीं है जब नेताओं की इस तरह की टिप्पणी सामने आई है। इससे पहले भी भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन बयानों की इस राजनीति से नेता कब किनारा करेंगे इसका फिलहाल किसी के पास कोई जवाब नहीं है। स्पेशल रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।